देखिए ये लगातार पीट पीट कर अद्भुत लावा जो है मखाना का तैयार कर रहे हैं, और इनकी मेहनत को कहीं ना कहीं सल्यूट करने का जी चाहता है, क्योंकि जो तापमान है हम और आप नहीं सह सकते। हमारा तापमान इतना ही ज़्यादा हीट अभी तापमान है कि हमारे पसीने छूट रहे हैं, और उस वक्त में जब ये लोग तमाम जितने छोटे से लेके पूरे फैमिली मेम्बर्स तैयार कर रहे हैं मखाना का लावा, और इस मखाना को हम और आप इस्तेमाल करते हैं, हमारे पसीने छूट रहे हैं इनके तापमान से, जो चूल्हा का तापमान है इनसे हमारा पसीना छूट रहा है। और ये देखिए तमाम जो फैमिली मेम्बर्स है ये काम कर रहे हैं, चूल्हा के उस पावन धरती पर हैं, जिस पावन धरती पे मखाना की बात करेंगे, जिस पावन धरती पर मखाना के पूरे प्रोसेस को दिखाएंगे, उस मखाना की बात कर लें जिस मखाने को जी टैग तक मिल चुका है। आखिर उस मखाने को हम और आप तमाम नेतागण जितने भी नेतागण हैं, गर्दन का जो शोभा बढ़ाता है, गले का जो शोभा बढ़ाता है, जब भी कोई भी नेतागण चाहे विधायक हो चाहे सांसद हो, कोई भी जब यहाँ आते हैं तो हम उसे माला से जो एक जो मखाना से क्या जो बना हुआ मखाना होता है उसके माला से जो स्वागत करते हैं। आखिर वो मखाना कैसे तैयार किया जाता है और वो मखाना का क्या प्रोसेस है, पूरा प्रोसेस बताएंगे, पूरा मखाना का प्रोसेस है वो हम जानेंगे। यहाँ के कुछ जो हमारे व्यक्ति जुड़े हुए हैं जो ये हम ये बताएंगे कि आखिर मखाना किस तरह बनाया जाता है। सबसे पहले तो आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम नसीब सहनी हुआ। अच्छा, ये मखाना की बात कर लें तो आपको कितना साल का अनुभव है मखाना बनाने के लिए? मखाना तो मान के चलो हमको जन्म हुआ है तभी से मान के चलिए हम इसमें जुड़े हुए हैं, इसी में जुड़े हुए हैं। अच्छा, जन्म हुआ है मखान में ही। जन्म हुआ मखान में। जब छोटा था तब हम लोग जैसे बच्चे बच्चे था ना, उतना ही टाइम हमारा मम्मी पापा सब फोड़ रहे थे। अच्छा, मखाना का जो है प्रोसेस जरा हमें बताइए कि कैसे तैयार किया जाता है शुरू से अंतिम तक? जैसे मान के चलिए तालाब में लगाया जनवरी फरवरी का टाइम में लगाया जाता है खेत में, फिर उसके बाद जो है सो पानी उनी डालते रहे, 2-3 महीना टाइम लगता है। जब अगस्त का टाइम आता है तब उसको निकालते हैं, जून जुलाई अगस्त से निकालना शुरू हो जाता है। तब उसको निकालते हैं तो हम लोग खरीदते हैं, उसको खरीद के लाते हैं, फिर उसको सुखाते हैं, सुखा करके जो है सो अपना तैयार करते हैं, तैयार करके बेच देते हैं। अच्छा, तैयार करने के लिए क्या क्या प्रोसेस है? तैयार करने के लिए मान के चलिए झर्रा पिटना गढ़िया छिट्टा छिट्टा 50 छिट्टा लगता है, और 17-18 झर्रा लग जाता है, फिर पिटना लग जाता है, सब कुछ मिला जुला के इसमें 30,000 रुपया सामान में लग जाता है। अच्छा, अभी रेट की बात कर लें, मखाना किस कैसे मिलता है और आप लोग कैसे सेल करते हैं? जैसे मान के चलिए अभी मखाना हम लोगों को 15,000 का मिल रहा है, 14,000 को भी मिल रहा है, और कहीं पर जैसा क्वालिटी छोटा बनता है उस वहाँ का रेट कम होता है। जैसे बड़ा क्वालिटी है, जैसे अभी हमारा दरभंगा का मखाना जो बहुत बड़ा बड़ा होता है साइज में, उसको क्वालिटी बड़ा होता है तो उसको रेट 1,000 रुपया ज़्यादा मिलता है, और लावा को भी ज़्यादा देता है उसको। अच्छा, मखाना की क्वालिटी की बात कर ले तो कितनी क्वालिटी आप लोग बना लेते हैं? क्वालिटी तो हम लोग पूरा 10 का 10 निकाल देते हैं, 10 क्वालिटी निकलता है इसमें। 10 क्वालिटी में मतलब छाँटा जाता है कि कैसी क्वालिटी का कौन रेट देगा? जैसे सबसे बड़ा हुआ 7 सूत का मखाना जो होता है उसका अलग रेट बन जाएगा, 1,000 रुपया किलो से ज़्यादा मिल जाता है, और 6 सूत का है उसको मान के चलिए 800-700 का भी मिल रहा है, फिर जो जैसे जैसे क्वालिटी नीचे आता है वैसे वैसे कम होते जा रहा है। अच्छा, चलिए आप हमको प्रोसेस दिखा दीजिए कि कैसे मखाना हम लोग पूर्ण रूप से तैयार किया जाता है। और चलिए मैं आपको मखाने का प्रोसेस दिखा रहे हैं। ये इस मखाने को क्या कहा जाता है? ये जो है ना अभी 7 नंबर है, 7 नंबर मखाना ये है छोटा सा, तो फिर इसको जो है सो भाड़ा करके भून करके रखे है, जैसे हम लोग भाड़ा बोलते हैं इसको, भाड़ा कर लिए है, भाड़ा करने के बाद जो है सो कल भाड़ा किया इसको तो आज इसको फुटा रहे हैं। ये पहला जो होता है फर्स्ट स्टेप है, ये तकरीबन क्या 2, 4, 5, 5, 6 है, 6 के बाद जो है फोड़ा जाता है जी। क्या ये जो फर्स्ट स्टेप में दिया जाता है उसी को सेकंड स्टेप में दिया जाता है क्या? हाँ हाँ, उसी को सेकंड में, फिर ऐसे ऐसे करते करते वो चला जाएगा, फिर यहीं पर दर डालेगा और ऐसे करके चला जाएगा वहाँ पर फूटेगा। अच्छा, ये जो पिटना लगातार पीटा जा रहा है वो क्यों, कैसे पीटा जाता है, कैसे पता चल जाए कि आप फूट जाएगा? देखिए वो जो है ना ऐसे जैसे जैसे हीट होगा, जैसे जैसे गर्म होते जाएगा ना वैसे वैसे होगा, जब यहाँ आएगा तो इसमें आवाज़ देने लगेगा, जब आवाज़ देने लगेगा आवाज़ आ जाएगा तो सब समझ जाएगा कि आवाज़ आ गया, आवाज़ आ गया तो इसमें भी बात होता है कि अगर कितना आवाज़ से मखाना कंट्रोल करेगा। मखाना जैसे कोई होता है मखाना जो कि ज़्यादा आवाज़ करने पर फोड़ आ जाता है, कोई होता है जो कि कम आवाज़ करेगा फिर भी फोड़ लेता है। अगर ये सब अनुभव आपको पहले से अनुभव है? हाँ, ये सब अनुभव करना पड़ता है, रहता है सभी फोड़ने वाले का अनुभव हो जाता है। अगर जैसे कोई कम चोट मांगता है, कोई जोर से मारता है तो इसको हिसाब से वो घूम के रखता है, जिस हिसाब से जिस टाइम में उसी टाइम में वो अपना हिसाब लगा लेता है सब।
जैसे तो जैसे मान के चलिए कम आवाज चोट मारता है, ये मखाना है तो कम चोट मांगता है, और दूसरा कोई मखाना होता है तो बहुत ज़्यादा चोट मांगता है, तो उसको जो है तो भूनने टाइम में थोड़ा कम बेसी करके रखना पड़ता है, इसलिए कर तब सही रहेगा। देखिए एक पूर्ण रूप से मखाना का जो लावा है तैयार करने का प्रोसेस हम आपको बता दें कि फर्स्ट स्टेप में मखाना भून कर रखा जाता है, और उसे पहले लोहिया बोल सकते हैं, हम लोग मिथिला में हैं, हम लोग दरभंगा के क्षेत्र में होते हैं, तो इसे लोहिया के नाम से जाना जाता है ना, वो लोहिया बोलते हैं ना आप लोग। जी लोहिया का फर्स्ट स्टेप में हम बता दें कि ये फर्स्ट स्टेप में लोहिया में डाला जाता है, और ये सिस्टर का कला देख लीजिए, एक साथ दो दो छुल्ली का काम कर रही है, दो चूल्हे को एक साथ ये चेकअप कर रही है, देखिए बहुत कला, अद्भुत कला है ये सिस्टर के अंदर में, जो एक साथ दो लोहिए को एक साथ टेकअप कर रही है, अद्भुत कला है ये सिस्टर के अंदर में, जो एक साथ दो लोहिए को एक साथ टेकअप कर रही है। फर्स्ट स्टेप में दादी जान आगे दे रही है, ये सिस्टर दो लोहिए को एक साथ टेकअप कर रहा है, फिर भाई जान जो है चौथा स्टेप लोग फॉलो कर रही है, पांचवा स्टेप में जब जाता है तो लास्ट स्टेप ये है जो हमारी सिस्टर, ये देखिए आप लास्ट स्टेप में ये यहाँ पे कर रही है, और यहाँ पे जब आवाज़ करने लगता है मखाना का जो एक ढांचा रहता है, वो जब आवाज़ करने लगता है कि अब हम फूटने के तैयार में है, हम मखाना का जो लावा है लावा के रूप में ये आवाज़ देख सकते हैं, ये पिटने का आवाज़ देखिए, देखिए बहुत अद्भुत है ये कला, कहीं ना कहीं ये मिथिला में काफ़ी प्रसिद्ध है, और ये देखिए जब लास्ट स्टेप में पटपटाने लगता है तो हमारे भाई जान जो है पिटना का काम करते हैं, ऐसे पीट पीट के लोहार तो लोहार बना लेते हैं, पीट पीट के बढ़ई जो है एक से एक कला करके देखचा देखची तैयार कर लेते हैं, और हमारे भाई जान है जो पीट पीट के मखाना के लावा के रूप में ये बना लेते हैं, क्या भाई बहुत अद्भुत काम कर रहे हो, कितना दिनों से आप लोग, कितना अनुभव है, कितना साल का अनुभव है जो पीटने का? पाँच छः साल का अनुभव है। पाँच छः साल से आप ये कर रहे हैं लगातार, ये पीटना स्टार्ट है, और ये पीट अद्भुत तैयार किया जाता है मिथिला लावा। मिथिला लावा इतना प्रसिद्ध है कि मोदी जी से जी टैग दे देते हैं, और जी टैग करने के बाद जब उसे सम्मानित किया जाता है तो तमाम नेतागण चाहे जितने भी हो कहीं देखे, ये अद्भुत ये कला आप देखे, पहले देखिए आवाज भी सुने आप, देख ले ये कहा, अगर हमें कहे पीटने के लिए तो हम पीट नहीं पाएंगे, और हो सकता है हम अगर पीट दे तो मखाना चप जाएगा, ये जो एक अच्छा आकार ले रखा है ढांचा, आप देख सकते होंगे कि कितनी खूबसूरत आकार ले रखा है, अगर हम इसे पीटना शुरू करें तो हो सकता है इनका जो व्यवसाय है कहीं ना कहीं चौपट कर देंगे, और ये अगर हम पीटे तो हो सकता है ये चपट जाएगा, और इनके पास इतना अनुभव है कि ये पीट रहे हैं फिर भी आकार बहुत अच्छा ले रहा है, ये देखिए लगातार पीट रहे हमारे भाईजान, ये देख सकते हैं, और ये लगातार यहाँ से तकरीबन 20 से 10 15 से 20 घर में लगातार यही प्रोसेस किया जा रहा है, ये देखें जो पूरा फैमिली मेंबर्स रह के यहाँ पे एक तमाम व्यवसाय जो कह सकते हैं एक तरह का व्यवसाय कर रहे हैं, लगातार ये लोग भी वही काम कर रहे हैं, और यहाँ से आप जहाँ तक देखेंगे यहाँ से आपको वहाँ तक नज़र आएगा सिर्फ और सिर्फ मखाना का ही खेती किया जाता है, मखाना ही तैयार किया जाता है, और उस मखाने को तमाम नेतागण चाहे तमाम देश विदेश तक इस मखाने को पार्सल किया जाता है, यहीं से वो प्रोसेस स्टार्ट होता है, ये देख सकते हैं ये थैले में पैक हो जाता है, और ये जब सील होकर फिर आगे कंपनी में किसी बड़ी बड़ी कंपनियों में भेज दिया जाता है। कितना उम्र है आपका? कितना उम्र है? 10 साल है। इस जो मखाना तैयार कर रहे हैं कब से तैयार कर रहे हैं? बचपने से। कब से तैयार कर रहे हैं? देखिए मखाना का जो पूरा प्रोसेस है ये हमें बताएंगे। अच्छा ये बताइए जो मखाना आप तैयार करते हैं फिर यहाँ से पार्सल आता है क्या, कंपनी ले जाता है क्या? यहाँ से ले जाता है। आप लोग को कैसे मतलब क्या सिस्टम पे आप लोग काम करते हैं? हम लोग मेहनत के सिस्टम से काम करते हैं। नहीं मतलब क्या प्रोसेस है, कैसे आप लोग को सैलरी उलरी के बारे में बात कर रहे हैं? मखाना जो है ना तो कोई ख़राब भी हो जाता है कोई अच्छा भी होता है, तो जो अच्छा होता है उसमें प्रॉफिट हो जाता है, और जो ख़राब होता है उसमें प्रॉफिट नहीं होता है, कभी कभी लॉस का भी सामना करना पड़ता है। हाँ देखिए ये लगातार पीट पीट कर अद्भुत लावा जो है मखाना का तैयार कर रहे हैं, और इनकी मेहनत को कहीं ना कहीं सल्यूट करने का जी चाहता है, क्योंकि जो तापमान है हम और आप नहीं सह सकते, हमारा तापमान इतना ही ज़्यादा हीट अभी तापमान है,
कि हमारे पसीने छूट रहे हैं। और उस वक्त में जब ये लोग तमाम जितने छोटे से लेके पूरे फैमिली मेंबर्स तैयार कर रहे हैं मखाना का लावा, और इस मखाना को हम और आप इस्तेमाल करते हैं, हमारे पसीने छूट रहे हैं इनके तापमान से, जो चूल्हा का तापमान है इनसे हमारा पसीना छूट रहा है। और ये देखें तमाम जो फैमिली मेंबर्स हैं ये काम कर रहे हैं और काम करके अपना रोज़गार इकट्ठा कर रहे हैं और अपना भरण पोषण फैमिली मेंबर्स का कर रहे हैं। देखिए हमने आपको मखाना का पूरा प्रोसेस हमने दिखाया और मखाना कैसे तैयार किया जाता है वो प्रोसेस हमने आपको दिखाया। आपका क्या, किस तरह से आप इस चीज़ को देखते हैं और क्या आपका प्रतिक्रिया है इस वीडियो के बारे में ज़रूर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आखिर मखाना क्या आपके गांव में किस किस क्षेत्रों में तैयार किया जाता है वो भी हमें ज़रूर बताइएगा, और मखाना का क्या प्रोसेस है, क्या आप पता है या नहीं पता है इस चीज़ को ज़रूर बताइएगा। और मखाना कैसे पूर्ण रूप से तैयार किया जाता है मैंने आपको दिखाया। अगर ये आपको अच्छा लगा हो वीडियो तो शेयर कीजिएगा। जुड़े रहिए इंसाफ 24 के साथ। जय हिंद।